कितना उसने गौर किया है। हमारे मन के घोड़े इधर उधर दौड़ते हैं और जब मन के घोड़े एक तरफ बैठे हुए हैं तो हमारा जीवन अप्रत्यय है। इसलिए हम लोग भटकते हैं और जो भटक जाता है वो भटक है और जो भटक जाता है वो प्रभु के लिए भटक है। ऐसा व्यक्ति प्रभु के शरण में जाने का प्रेरणा करते हुए नहीं जाता। बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेने के साथ उसकी कुछ इच्छाएं बनी, क्योंकि जन्म लेने के साथ इच्छाओं का उत्पन्न होना अवश्य भाव है और जब इच्छाओं का उत्पन्न होते हैं तो हमारी आवश्यकताएं बनती है और जब हमारी आवश्यकताएं बनती है तो हमें उसको पूर्ण करने के लिए काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। इसलिए आवश्यकता बढ़ना, इच्छाएं बढ़ना, उसके अनुसार हमारे कार्य करना, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करना, ये इस जीवन का स्वभाव है, करना ही पड़ेगा। परंतु जब हमारी इच्छाएं पूर्ति करने के बाद कि तृप्त न हो, इच्छाएं अपना आकार विस्तार करने लग जाती है, बढ़ती जाती है, तो ऐसी इच्छा को हम दसवां कहते हैं। अर्थात इच्छाओं के विस्तार को तृष्णा कहते हैं और जैसे ही हमारे तृष्णा के भाव मन में आ गए, हमारे जीवन में तृष्णा उत्पन्न हो गई तो हमने पाप का द्वार का आरंभ कर दिया। अर्थात हम पाप के द्वार में प्रवेश करने के लिए आते हैं, प्रवेश द्वार में तृष्णा हमारा प्रवेश द्वार है पाप। इसलिए इच्छा होना, आवश्यकता होना, आवश्यकता की पूर्ति करना मानव जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु इच्छाओं का विस्तार करना होने के बाद इसकी लालसा करना और हमारी लालसा के कारण जब हमारे आगे बढ़ते हैं कृष्णा व्यक्ति मन के चंचल घोड़े दौड़ते हैं और पालो और पालो, तो ऐसे कृष्णा से हम अनेक अनेक गलत काम करने लग जाते हैं। इसलिए तृष्णा एक ऐसी विषय वस्तु बन गई, ऐसा तत्व बन गया, ऐसा भाव बन गया कि हमारे मन के घोड़े दौड़ते हैं तो उसको तो लगा पाना मुश्किल हो जाता है और हम उस तृष्णा के एवज में हम भटकते हैं। कैसे भटकते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक बड़ी रूपमान सुंदरी बड़ी बड़ी रूपमान और उसको देखकर के हटता है, घूमने लगता है और उसके आगे पीछे घूमने लगता है। ऐसे ही तृष्णा को मैं उस रूपमान सुंदरी का उपमा देते हुए मैं दो लाइन में साथ आया। तृष्णा नाम मैं अकेली हूं अनोखी नाम, जो भी सोचे चाहे मन में मुंह में आगे दार, मुंह में आगे दार। कृष्णा नाम री मैं अकेली हूं अनोखी नाम, जो भी सोचे चाहे मन में घूमे आगे दार, घूमे आगे दार। अच्छा मेरे कहने का अर्थ है कि जिसके मन में कृष्ण का भाव आ गया और जिसने भी कृष्ण जीवन में बस लिया, जिसने कृष्ण से ग्रसित अपना जीवन कर लिया, ऐसा व्यक्ति बस व्यक्त
माला जब तुझा जावे जी
बड़ा आनंद है। तो बोला पंडित जी, ये तो बहुत गलत बात है, आप हमारे बिना कैसे चले गए, हमको क्यों नहीं साथ।
原来都是关键就过大关的，天天天到到这样子，天天天到那样，阿瓦斯，不然人家三里高的，所有都不晒不了晒干，不然不然的，就不然真的，阿不晒都不容易的，到那个旁边三块都干了的着，你别的旁边去不去旁边去，不是把高的给割掉，给这个大旁边都过来了。पांच दिन बाद ये चले, जैसे मलपुरा स्वर्ग आता, स्वर्ग में भ्रमण करने के, और वहाँ ऐसे समझेगा, पूरे गांव के बच्चे पूरे सारे नए ड्रेस पहन जाके आसपास के लोग क्या, जिसको मलपुरा स्वर्ग आता होगे, सारे सारे गांव के, मेरा, सब एक काम के लोग आए आए, वो ना पंजे की दूर पकड़ेंगे, उसके बाद ये केक के फिर जितने मैं नेता लिया, नेता जी ने बोला पंडित जी के पास टांग मैं पकड़ूंगा, मैं नेता हूँ यहाँ का, और उनके साथ उनके भी कोई दो चार दोस्त हैं, वो मैं नेता जी के पीछे टांग मैं पकड़ूंगा तो हम उनके ये ऐसे करके पंडित जी ने टांग पूछ पकड़ी, नेता जी ने टांग पकड़ी, उसके बाद में से पुलिस और सारे एक एक करके ऊपर रखते सारा का सारा हजूम एक एक टांग पकड़ के लड़ी हो गई और काम के लोग आए पुलिस में पहुंची अगर मैं ना जमीन के ना स्वर्ग में अगर मैं पहुंची तो नीचे जो पड़ नेता जी के पीछे हाथ का उनका खास आदमी है उन्होंने बोला पंडित जी आपने ये तो बताया नहीं कि वहां पर फूट कितने बड़े होते तो जी के नेता जी बोल पड़े अरे वहां पर फूट कितने बड़े होते और काम पकड़ी हुई थी पंडित जी की और बोला इतने बड़े लोग होते हैं डबराम करते नीचे सारे सारे नीचे और फिर अभी प्रसिद्ध हुआ मैंने ये मेरे बेटा कहते कि जब हम इच्छा को दर्शन बदलते और अपना हाथ फैलाते जाते हैं तो जो इच्छा जो होती है वह तो भूमि छू जाती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है इसलिए दर्शन बड़ी भूल थी और हमारा सारा का सारा अस्तित्व तो खत्म कर देती है हम बोल रहे हैं साथ था भी दर्शन नामी मैं करके जिसके मन में कृष्णा का भाव रहता है ऐसा व्यक्ति पापों का
când te pune pe loc în mață, de mare parte, să mai zic de anul cu care mai mai prezente, să poate, nu lume. Oare spui a fost la realitatea? Nu spu, la ce a vrea, ce-o ca unde a zis, mare realitatea, la ce a vrea, pe ne-a vrea. Oare spui, s-o la multă putezea de pura pe extremul să spui, pe ce-o de a e, ce-o nu că va fi. E, ziare, băi, किसी प्रकार की कमी मुक्त अर्थ से सबकी इच्छाएं पूर्ति करता है और सब लोग उसका बड़ा तारीफ करते हैं। देखो हमारे पास कोई कमी नहीं, लेकिन तुम्हारी इतनी अच्छी है वो है जो तारीफ करते हैं, परंतु ये पता नहीं था कि तुम्हारे कैसे। परंतु एक दिन सरकार का डंडा पड़ गया और वो रंगे हाथ पकड़ गए, वो स्मगलिंग का धंधा करते हैं और सबको मान शराब पैसे कमाते थे, सब लोग उसके पैसों से आनंद पूर्ति करते थे, परंतु सरकार का डंडा पड़ा और जेल की सीट चली गई। जो व्यक्ति उनकी तारीफ किया करते थे, उनके गुणगान गाया करते थे, अपने खुद के परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके पूर्व, वो सब जो मान पड़ा स्मगलिंग करते थे, तो सब ने पूरा पैसे पूरा कर दिया, तो भाई बड़े क्या उस समय कोई साधन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जब हमारे जीवन में कृष्णा का भाव आता है, हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं, अपनी पूर्ति के करते हैं, अपने जो समय करते हैं, अपने जो आश्रित करते हैं, हम जो लगा होते हैं उनकी पूर्ति की करने के लिए हम रात दिन दौड़ते हैं, कृष्णा में डूबते हैं। परंतु जब डंडा पड़ता है, पाप कर्म का कर्मों का डंडा पड़ता है, तो उसमें कोई भी साथ नहीं, वो अकेले ही डूब। इसलिए आवश्यक है कि हमारे जनित कर देते हैं, उपार्जन कर देते हैं, हमारा पूरा रोम रोम
उस प्रश्न के कारण बाघ के प्रवेश द्वार में बच जाता है और उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं से जितना सोचोगे छोड़ने का उतने वो आगे बढ़ती जाए पीछे रहते हो। आपने एक आवश्यकता की पूर्ति करी फिर दूसरी तैयार हो, दूसरी पूरी करी तीसरी तैयार हो, और इस तरह से आगे से आगे बढ़ती है। इसलिए प्रश्न हमारा व्यक्ति कब इस संतोष से मिलता है, कब इस सूत्र प्राप्त करता है। संतोष उसको मिलता ही और जिसके जीवन में संतोष मिले वो तो दुखी पाता है। इसलिए ये प्रश्न सारे के सारे दुख का जन्म देती है, पता हमारे दुख का आरंभ कर देती। इसलिए आवश्यक है हम अगर प्रभु की वाणी सुनते हैं, हम हमारे पितरों की वाणी सुनते हैं, हम हमारे पापों की वाणी सुनते हैं, हम हमारे संतों की वाणी सुनते हैं, हमारी जैन वाणी को सुनते हैं, या फिर हम अनेक अनेक धर्म ग्रंथों की वाणी सुनते हैं, चाहे वो जयंतर हो, अनेक अनेक धर्म की वाणी सुनते हैं, सब में एक बात करी है कि अगर जितना ज्यादा आप तृष्णा में डूबे हैं, जितने ज्यादा आप पानी की लालसा करेंगे और उतने ज्यादा दुख में डूबे, अर्थात अधिक पानी की लालसा ये आपके दुख का जनन बन गया। इसलिए आवश्यक है हमारे को संतोषी जीवन होना चाहिए, जितना मिल गया उसमें संतुष्ट कीजिए। इसलिए साधु संतों को सिखाया जाता है जैसा मिले जब मिले जिस प्रकार का मिले हर समय सब भाव में अर्थात किसी प्रकार का एकता का अनुभव नहीं, कष्ट का अनुभव नहीं करना, हमेशा सब भाव में। ये बात केवल साधु संतों को तो लागू नहीं, अभी तो आम जीवन में भी लागू है। इसलिए अगर हमारे को जीवन का पथ सुगम करना है तो हमको निश्चित रूप से उस दृष्टा की रूपी इस अलौकिक चीज को पता रखना है। इसलिए आगे का पद कृष्ण नाम हरी मैं कर के ली हूं अलौकिक नार, जो भी सोचे चाहे मन में हूं मैं आगे और चतुर्मास काल को
देश में आता था बताने के लिए है कि हमारे जीवन के पथ को बड़ा सुगम है और जो व्यक्ति पथ को सुगम बना लेता है अपने जीवन के मार्ग को सुगम बना लेता है ऐसा व्यक्ति इस जन्म में भी सुख पाता है और सुख पाकर के अपने गंतव्य तक पहुंचता है और अगला जन्म भी सुखमय बना के मोक्ष की तरफ अपने कदम निरंतर बढ़ाता है। इसलिए आवश्यक है प्रभु की वाणी सुनकर के हमारे जीवन को हम आदर्श मन बनाए और प्रश्न नाम की चीज को यूं छोड़ दें क्योंकि प्रश्न से आगे हमारा कितना खेड़ा पड़ा जाएगा और हमारे अंदर क्या परिवर्तन होगा अभी बात करूंगा कि केवल प्रश्न में प्रश्न से जलित और क्या क्या हमारे आता है और उसके अंदर प्रश्न से आया तो हमारे लोभ प्राप्त हो जाते हैं और कहा जाता है लोभ को सारे पाप का पाप इससे लोभ प्राप्त क्या है लोभ के बारे में हम आगे बताएंगे। Yeah.